नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर, शहर हो या गांव, दिन हो या रात, हर छोटी और बड़ी खबरों पर हमें आपके साथ हम कराते हैं आपको जनपद और आसपास की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीते दिनों तितावी थाना क्षेत्र के गांव नुनवा हेड़ी में हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में तितावी पुलिस ने मृतक के भतीजे को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। एसपी देहात अजय सहदेव ने पुलिस लाइन सभागार में किया मामले का खुलासा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर सूबे के जिलों में बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन वितरित किए गए। टाउन हॉल मैदान में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सैकड़ों उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली कनेक्शन बांटे। बिजनौर के कोतवाली देहात में खंड विकास अधिकारी के तबादले के बाद कर्मचारियों और सचिवों ने उनके कार्यालय में मैखाना खोल दिया, जहां सभी दारू पार्टी करते नजर आए। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिटी सेंटर मार्केट में वाहन चोरों का आतंक। रविवार को मार्केट में व्यापारियों ने एक वाहन चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा। कस्बा जानसठ में विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। कस्बे के बुद्ध बाजार में जर्जर अवस्था में खड़ा विद्युत खंभा कई शिकायतों के बाद भी नहीं बदला गया। कावड़ यात्रा के सैकुशल संपन्न होने के बाद सभी काम अपने पुराने ढंग से हुए शुरू। शहर कोतवाली में प्रभारी संजीव कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगा सुनी जन समस्याएं। नई मंडी कोतवाली प्रभारी कुशल पाल सिंह ने अपने कार्यालय में महिला आरक्षकों की बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा भवन में त्यागी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का अलंकरण समारोह किया गया आयोजित। सभी मेधावियों को किया गया सम्मानित। जानसर थाना क्षेत्र के गांव भलवा में बीते दिनों हुई वृद्ध महिला की हत्या में एसपी देहात अजय सहदेव ने पुलिस लाइन सभागार में किया खुलासा। जानसर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चरतावल थाना क्षेत्र के गांव खुसरोपुर में थाना अध्यक्ष डी के त्यागी ने मुखबिर की सूचना पर की घेराबंदी। बदमाशों को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। बदमाशों ने घेराबंदी देख बदला अपना रास्ता। आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में ब्राह्मण महासभा द्वारा पंडित बाल गंगाधर तिलक और पंडित चंद्रशेखर आयात की जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। कस्बा जानसठ में एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें विधायक विक्रम सैनी, एसडीओ संदीप चौहान और जेई संजीव कुमार की मौजूदगी में बाल श्रम कानून के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। कार्यक्रम में नाबालिग युवक एलईडी बल्ब के स्टॉल पर काम करता नजर आया। कस्बा जानसठ का महिला चिकित्सालय खुद हुआ बीमार। मरीज और तीमारदार अस्पताल में पीने के पानी और शौचालय न होने से है परेशान। खतौली थाना क्षेत्र के गांव पाल में जैक से मकान का बिंब उठाते वक्त हुआ हादसा। लेंटर गिरने से मिस्त्री की दबकर हुई मौत। और अब खबरें विस्तार के साथ। चांदर थाना क्षेत्र के गांव भलवा में बीते दिनों हुई वृद्ध महिला की हत्या का एसपी देहात अजय सहदेव ने पुलिस लाइन सभागार में किया खुलासा, जिसमें जानसठ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीते दिनों जानसठ थाना क्षेत्र के गांव भलवा में एक वृद्ध महिला की खेत में ले जाकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें जानसठ थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़े गए युवक श्रवण का वृद्ध महिला के साथ मामूली विवाद हो गया था, जिसके चलते श्रवण ने महिला की ईंटों से हत्या कर दी। हत्या में श्रवण के साथ सोनू नाम का युवक भी शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात अजय सहदेव ने बताया कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि श्रवण का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस ने युवक को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बिजनौर के कोतवाली देहात में खंड विकास अधिकारी के तबादले के बाद कर्मचारियों और सचिवों ने उनके कार्यालय में मैखाना खोल दिया, यहां सभी दारू पार्टी करते नजर आए। बिजनौर के कोतवाली देहात के खंड विकास अधिकारी का कुछ दिन पूर्व तबादला हो गया था, जिनके स्थान पर अभी तक नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। हमारी टीम ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उनके कार्यालय में कर्मचारी और सचिव दारू पार्टी करते नजर आए, जहां सभी कुर्सियों पर आराम फरमाते और मदिरा का सेवन करते रहे। पूछने पर बताया गया कि यहां कोई पार्टी नहीं चल रही है, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि मेज पर गिलास, नमकीन और सोडे की बोतल रखी है। हालांकि शराब की बोतल हमारी टीम को देखते ही छुपा दी गई, लेकिन एक गिलास में शराब अभी तक बची हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाख हिदायतों के बाद भी सरकारी महकमे के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर सूबे के जिलों में बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन वितरित किए गए। टाउन हॉल मैदान में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और एक्सीएन केपी पुरी द्वारा सैकड़ों उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन बांटे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को जगमगाने के लिए सभी घरों तक विद्युत कनेक्शन पहुँचाने के लिए
बीपीएल कार्ड धारकों को निशुल्क कनेक्शन देने की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के साथ साथ नगर में भी निशुल्क विद्युत कनेक्शन आवंटित किए गए। टाउन हॉल में आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों नए उपभोक्ताओं को कनेक्शन आवंटित किए गए। वहीं अधिशासी अभियंता केपी पुरी ने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए लागू की गई है, जिसमें सभी घरों में विद्युत कनेक्शन लगाने की मुहिम चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है घोषणा की गई थी कि बीपीएल परिवारों को जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीपीएल परिवार है उनको मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। तो ये 3 दिन के अंदर हमने बीपीएल परिवारों को खोज निकाला, उनके पास कनेक्शन नहीं थे, उनके घर का कनेक्शन आज अंतिम रूप से मीटर लगाकर उनको कनेक्शन निर्गत कर दिए गए। करीब इस कैंप के अंदर 150 कनेक्शन निर्गत किए। आज के इस कार्यक्रम को मैं जो हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान साहब मुख्य अतिथि थे, उनके कर कमलों द्वारा यहाँ पर उन गरीब लोगों को जो है कनेक्शन दिए गए। ये गरीब ये बीपीएल परिवारों के लिए तो हमेशा चलती रहेगी, जो बीपीएल हैं उनके लिए मिलती रहेगी, लेकिन एपीएल परिवारों के लिए भी किस्तों में जो योजना शुरू कर दी है गवर्नमेंट ने, आज उसमें भी एपीएल परिवारों को भी कनेक्शन दिए गए। करीब 50 कनेक्शन हमने एपीएल परिवारों को जो है किस्तों में दिए गए। उसमें 101 किलोवाट का 155 रुपये, 2 किलोवाट का अलग ऐसा अलग श्रेणी बनाई गई हैं, तो वो हमने बोर्ड लगा दिए गए चारों सब डिवीजन पर जो एपीएल परिवार हैं और वो भी कनेक्शन किस्तों में ले सकते हैं। अलग अलग चार्ज हैं, हम लोगों ने अभी इसके लगाए। ये शहरी उपभोक्ताओं के लिए योजना है, गांव के लिए अलग की गई। 1 किलोवाट का कनेक्शन 155 रुपये में है, 2 किलोवाट का 185 रुपये, 3 किलोवाट का 305 रुपये और 4 किलोवाट का 305 रुपये और 5 किलोवाट तक 1100 रुपये का कनेक्शन हम लोग किस्तों में दे रहे हैं। 100 रुपये महीना की पहले 1 किलोवाट की किस्त की, 120 रुपये 2 किलोवाट की किस्त, 3 किलोवाट की भी 150 रुपये किस्त, 4 की 175 रुपये महीना किस्त की। तो ये वो उपभोक्ता जो वास्तव में एक बार एक मुश्त में पैसा नहीं दे सकते कनेक्शन लेने के लिए और मजबूर रहते हैं, या तो चोरी करते हैं या कुछ करते हैं, ये उन लोगों के लिए वो है। सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली है, ये सब कुछ का फायदा होना चाहिए। हमारे पास कनेक्शनों की लाइन लग जानी चाहिए, इस हिसाब से तो निश्चित रूप से ये चोरी बंद होगी। और सब चरतावल थाना क्षेत्र के गांव खुसरोपुर में थाना अध्यक्ष डीके त्यागी ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए बदमाशों को पकड़ने का जाल बिछाया, लेकिन बदमाशों ने घेराबंदी देख अपना रास्ता बदल लिया। चरतावल थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश गांव खुसरोपुर से होकर गुजरने वाले हैं, जिस पर चरतावल थाना अध्यक्ष डीके त्यागी ने गांव में भारी पुलिस बल के साथ घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों को घेराबंदी की सूचना मिल गई, जिस पर बदमाश अपना रास्ता बदल गए। पुलिस की तत्परता के चलते बदमाश भयभीत होकर घटना स्थल तक नहीं पहुँच सके। फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा भवन में त्यागी समाज द्वारा मेधावी छात्र छात्रा एवं प्रतिभा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। रविवार को फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा भवन में त्यागी समाज द्वारा मेधावी छात्र छात्रा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्व रिकॉर्ड धारक सुरेंद्र सिंह त्यागी पूर्व वायु सेना अधिकारी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों ने सभी मेधावियों का उत्साहवर्धन करते हुए समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सुरेंद्र सिंह त्यागी देश का बच्चों को सम्मान उनको सम्मानित करना उनको उत्साहित करना ये समाज के लिए बच्चे ही प्रोत्साहित कर पाए उन्हें अच्छे नागरिक बना पाए। अपना मेरा कार्य था, मैंने बड़ी सिंसियरली वो काम किया, बहुत ऑनेस्टी से काम किया। रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई काम नहीं करता, रिकॉर्ड बन जाते हैं। मुझे चीफ से कॉल आई कि आपने सबसे ज्यादा साइन कर ली है और प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे हो गया। पर मेरा एक काम था, मुझे उसमें बहुत गर्व है। मैंने जितनी बार और दूसरों को सिखाने के लिए की, सिखाने में तो मुझे गर्व है, इसलिए नहीं कि बहुत लाइन की है। मैं सब बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अपना आपका उत्थान आपका उद्धार अपने आप ही होगा, अगर आप चाहें कि दूसरे का भी हाथ पकड़ के उसको तैयारी करने का मतलब मेन मोटिव ये है कि स्टार्टिंग से सब कुछ हम लोग लेके चले और मतलब अपना पूरा कोर्स कंप्लीट होकर डे टू डे अपना प्रिपरेशन करें और फिर पेपर्स में भी सैम्पल पेपर्स वगैरह एंड ऑल दैट। जूनियर्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि मतलब हर चीज़ को स्टार्टिंग से लेके चलें वो लोग,
हिंदी फिजिक्स इंग्लिश ऑल इज इंपॉर्टेंट ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट सजेस्ट देम दैट दे शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट खुशी हो रही है बहुत सबसे ज़्यादा पापा के लिए दादी दादी मम्मी सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपने लिए बहुत डॉक्टर बनना चाहते हो भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद अजेलिया क्रोकरीज इम्पोर्टेड क्रॉकरी होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर अजेलिया क्रॉकरी गुदरी बाजार भगत सिंह रोड मुजफ्फरनगर अजेलिया क्रॉकरीज Hi, this is Natkhat Pari from Balveer, from Sub TV, and you're watching City Halchal. Khabar zara hatke. Hi, main hu Paresh Ganatra, aur aap dekh rahe hain City Halchal. नमस्कार मैं हूँ रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई मजा लीजिए हाय मैं हूँ कुणाल गांजावाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल हाय मैं हूँ आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल हाय मैं हूँ शक्ति मोहन आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर हाय मैं हूँ संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल पे हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रताप फौजदार अरे लाफ्टर चैंपियन आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटके आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज ब्लूटूथ पावर बैंक चार्जर हैंड फ्री सेल्फी स्टिक स्क्रीन गार्ड टेम्पर ग्लास एसडी कार्ड पेन ड्राइव लैपटॉप लैमिनेशन मोबाइल फोन लैमिनेशन विद फोटो हेडफोन्स म्यूजिक सिस्टम पोर्टेबल स्पीकर्स फिलिप्स एफएमजी आईबॉल इंटेक्स मिताशी आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम प्रोपराइटर हर्ष गुलाटी 7 गोल मार्केट निकट शिव चौक मुजफ्फरनगर कॉन्टैक्ट नंबर 01312635555 हाय दिस इज सिमरन एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल खबर जरा हटके हाय मैं हूं बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर हाय मैं हूँ तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटके हाय दिस इज पंचाली एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल हाय मैं राकेश बेदी हूँ और आप देख रहे हैं सिटी हलचल नमस्कार मैं हूँ सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर हाय मैं हूँ रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर हाय दिस इज नीलिमा अजीम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल हाय दिस इज निकिता निगम एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल खबर जरा हटके Hi, this is Kainat Arora and you're watching City Halchal, Khabar Zara Hatke. Namaskar, main hoon Udita Goswami and you're watching me on City Halchal. Yeah.
हमारी संस्कृति हमारी परंपरा की धरोहर कंचन तारा साड़ी सोर्स लहंगों का भव्य शोरूम शिव चौक मुजफ्फरनगर कंचन तारा जहां से होती है फैशन की शुरुआत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कस्बा जानसठ में विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। कस्बे के बुध बाजार में जर्जर अवस्था में खड़ा विद्युत खंभा कभी भी धराशायी हो सकता है, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी विद्युत विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कस्बा जानसठ में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। मामला कस्बे के मोहल्ला बुध बाजार का है, जहाँ विद्युत विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। जरा एक नजर इस विद्युत पोल की ओर भी डालिए। यह पोल पूरी तरह से गल चुका है। यह मात्र एक सुई के बराबर हिस्से पर खड़ा है, जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग के जेई संजीव कुमार से की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब लगता है कि विद्युत विभाग की आंखें तब खुलेंगी जब यहां कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिटी सेंटर मार्केट में वाहन चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को मार्केट में व्यापारियों ने एक वाहन चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। नगर में वाहन चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिटी सेंटर मार्केट में भी आए दिन वाहन चोरी होते रहते हैं। रविवार को भी एक युवक काफी देर से फोन पर बात करता हुआ मार्केट में घूम रहा था। तभी पैगाम इंसानियत के सदस्य शहजाद कुरैशी की नजर उस युवक पर पड़ी और उन्हें शक हुआ। तभी एक युवक बाइक पर आया और अपनी बाइक खड़ी कर सामान लेने के लिए चला गया। तभी चोर ने उस बाइक में अपनी चाबी लगाई और वहां से फरार होने लगा। तभी व्यापारियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम विशाल बताया और उसने बताया कि वह पहले भी कई वाहन चोरी कर चुका है। वहीं व्यापारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में ले लिया। साउथ खालाबार ठीक कराने आया था, जमजम ये 10-15 मिनट पहले बाइक खड़ी कर गया और वहाँ से शोर आया कि बाइक चोरी हो गई पेशन प्रो। मैं भाग के आया था, देखा गया मेरी बाइक निकली है। ये भी 20 मिनट का रास्ता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कावड़ यात्रा के सहकुशल संपन्न होने के बाद सभी काम अपने पुराने ढंग से शुरू हो गए हैं। शहर कोतवाली में प्रभारी संजीव कुमार शर्मा ने जन समस्याएं सुनी। कावड़ यात्रा के दौरान सरकारी महकमा पूरी तरह व्यस्त था, लेकिन कावड़ यात्रा सहकुशल संपन्न होने के बाद सभी कार्य पुनः की भांति प्रारंभ हो गया। शहर कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार शर्मा ने रविवार को शहर कोतवाली में जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी, जिनमें ज्यादातर समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित करा दिया गया। वहीं उन्होंने क्षेत्रवासियों से शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील की है। आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में पंडित बाल गंगाधर तिलक और पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। रविवार को आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में पंडित बाल गंगाधर तिलक और पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के दर्जनों लोगों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए सभी से उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। नई मंडी कोतवाली प्रभारी कुशल पाल सिंह ने अपने कार्यालय में महिला आरक्षकों के साथ बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कावड़ यात्रा संपन्न होने के बाद नई मंडी कोतवाली प्रभारी कुशल पाल सिंह ने नई मंडी कोतवाली में अपने कार्यालय पर महिला आरक्षकों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने थाने में तैनात सभी महिला आरक्षकों से लंबित वादों को जानकारी ली और समय से वादों के निस्तारण कराने और फाइलों के सही रखरखाव के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने थाने के नियमों से उन्हें अवगत भी कराया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ नए और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।